नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करता हूँ वो अगर कोई भी स्विंग ट्रेडिंग बनता है, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड बनता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं एज ए देखा जाए तो एक ट्रेडर भी हूँ, एक इन्वेस्टर भी हूँ। तो मैं ट्रेडिंग जहाँ जहाँ पे बना वो सारे ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर भी किया और वो ट्रेड्स मैंने खुद लिया। और आप भी उस तरीके से ट्रेड को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। अगर आप सिर्फ टिप्स के लिए आए हैं और आप सिर्फ कुछ मतलब मेरे गलतियाँ ढूंढने के लिए आए हैं तो आप जरूर वीडियो को एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि देखिए गलतियाँ आप जरूर ढूंढिए, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो जरूर ढूंढिए। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो मुझे नहीं लगता वो लोग स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आए हैं, वो लोग शायद स्टॉक मार्केट के ऊपर टाइम पास करने के लिए आए हैं। तो मैं जरूर कहूँगा आप मेरे वीडियो से एग्जिट हो सकते हैं, तो जो लोग सीखना चाहते हैं तो उसको डिस्टर्ब मत करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए LIC एक ऐसी कंपनी है जिसका मतलब अपकमिंग ईयर्स में, अपकमिंग फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी इंडिया के सबसे बड़ा और सबसे पुराना इंश्योरेंस कंपनी है। आज बहुत सारे इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी देखने को मिलेगा, एक टाइम गवर्नमेंट सिर्फ LIC को ही मार्केट में चलाए थे और मार्केट में कोई दूसरा प्लेयर ही नहीं था जो इंश्योरेंस बेचे, सिर्फ LIC ही बेच रहा था और LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, मार्केट में जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी है टोटल मान के चलिए 100% इंश्योरेंस कंपनी है, उनमें से 62% अकेला मार्केट कैप यही कंपनी लेके रखा है। तो बाकी कितना है, बाकी जो 44% जो मार्केट कैप है वो बाकी इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो सोचिए कितना बड़ा हाई पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर। और बहुत सारे लोग ये मुझे कमेंट्स किया है, सर इस कंपनी तो गवर्नमेंट है और दूसरी बात इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है, ऑलमोस्ट इसका होल्डिंग जो है 96% के आसपास। हाँ, ये बात आपका सही है कि प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है, ये होल्डिंग्स आज नहीं तो कल उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि SEBI के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग्स किसी भी कंपनीज के ऊपर प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो प्रोमोटर के पास तो ज़्यादा होल्डिंग्स है, आज नहीं तो कल उसको बेचना ही पड़ेगा। तो जब बेचेंगे तो शेयर में एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब बेचा जाएगा तो कोई ना कोई तो शेयर खरीदारी करेंगे, और जब बेचा जाएगा तो शेयर का प्राइस तो करेक्शन होगा, तो आपको अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जब शेयर बेचेंगे तो और भी क्वांटिटी में ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी से दूर रहना मतलब खुद के पोर्टफोलियो में अच्छे कंपनी को ना जगा देना, दोनों ही बात सेम है। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 4,00,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी इस बार मैं डेटा चेक करके जो डेटा मैंने आपको देखा, एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया, तब मैंने आपको डेटा देखा था कि इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रीमियम कलेक्ट किया और नया कस्टमर भी हाईएस्ट एक्वायर किया। तो इस बेसिस में कंपनी को मेरे हिसाब से क्वार्टरली इस बार शानदार सेल्स देखने को मिला, उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे, और उस हिसाब से देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ वो करीबन 10,000 करोड़, जो पिछले सालों में सिर्फ 1,100 करोड़ था। तो आप कहेंगे सर कंपनी ने तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया, बीच में कंपनी बड़ा सा लॉसेस भी किए थे, इस लॉसेस होने के पीछे कारण्स भी है, तो वो कारण से यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट लास्ट में क्या देखने को मिला, क्योंकि कंपनी लॉस तो किए थे मगर कंपनी का जो अदर्स इनकम था उस इनकम सबसे ज़्यादा हाइस्ट इनकम देखने को मिला। तो इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो आप अगर कहेंगे तो मैं जरूर बना के दूंगा। तो यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट रेशियोज है आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो को भी मेंटेन किए। और कंपनी के जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का जो रिजर्व है वो 500 करोड़ आसपास था, अभी बढ़ के हो चुके हैं 39 करोड़, तो 40 करोड़ के आप बोल सकते हैं। तो जो 500 करोड़ का फिगर आउट था वो रिजर्व इस बार कितना बड़ा, करीबन 40,000 करोड़, तो इतना बड़ा रिजर्व बना। तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता हुआ दिखा, कंपनी के CWIP में कंपनी प्रोसेसिंग में 350 करोड़, 330 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा, इस पैसा डायरेक्टली आपको नेक्स्ट ईयर में ऐड होता दिखेगा खुद के पोर्टफोलियो में, तो खुद के फिक्स एसेट के अंदर।
तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, एफआईएस और डीएस के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है। क्यों होल्डिंग्स नहीं है? क्योंकि कंपनी माल बेचा ही नहीं, तो होल्डिंग्स कहाँ से उठाएंगे? और इसलिए नहीं होल्डिंग उठाया जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं आज नहीं तो कल उसका शेयर बेचेंगे तो शेयर सस्ते में मिलेगा, तो तब हम लोग खरीदारी करेंगे। तो जरूर देखना, जब शेयर बेचा जाएगा ओएफएस के माध्यम से, तब इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग भी देखने को मिलेगा। अभी रही बात म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो लास्ट कुछ मंथ्स में, जून और जुलाई मंथ में कंपनीज के ऊपर शेयर बाई किया गया, और उसके बाद कंपनी के ऊपर एक जो परफॉर्मेंस हुआ, अगर आप चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, कफ विथ हैंडल, उसके बाद फिर से एक हैंडल। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया और कन्फर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया। तो ब्रेकआउट इस कैंडल के होने के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन भी हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक एंट्री लेवल मैंने ले चुका हूँ। तो आपको एक मतलब इस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेवल नहीं देखे होंगे तो फिर से देखिए, वही रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप जरूर यहाँ से स्टडी करिए क्योंकि यहाँ से जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 17% के आसपास, और खास बात यही है वही रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग यहाँ पे क्रैश देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी इसके ऊपर स्टडी करके काम करना सही होगा। तो आपका क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न्स में बहुत बार आपके साथ शेयर किया हो, तो फिर से एक बार कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना तो इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, कंपनी एक पेनी स्टॉक बन चुकी है, लगातार लगातार करेक्शन हुआ है। तो मैंने एक ट्रेड आपको एक लेवल मेंशन किया, अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा सा धमाका बन सकते हैं, तो वो लेवल्स दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करूँ तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी है। फर्स्ट नंबर में कौन है? IRCTC है। सेकेंड पोजिशन में कौन है? सेकेंड पोजिशन में है इजी ट्रिप प्लानर। तो इजी ट्रिप प्लानर एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हाई ग्रोथ और पोटेंशियल है फ्यूचर में एक बड़ा होने का, क्योंकि देखिए जब कोई कंट्रीज का ग्रोथ होता है तब लोगों के हाथ में पैसा होता है, तो लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग बाहर घूमने जाएंगे, होटल्स वगैरह में रहेंगे, फ्लाइट्स में जाएंगे, ट्रेन्स में जाएंगे, तो हर जगह पे आपको जाने के लिए टिकट बुकिंग करना पड़ता है। और लोगों के हाथ में जब बहुत काम रहेंगे तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, और ऑनलाइन में वो यही ढूंढेंगे कि कहाँ पे उसको सस्ते में टिकट पड़ रहा है, कहाँ पे उसको सस्ते दामों में होटल्स वगैरह, फ्लाइट का टिकट वगैरह, ट्रेन का टिकट वगैरह मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इजी ट्रिप प्लानर सबसे सस्ते दामों में आपको टिकट भेजता है। देखिए मैं कोई इजी ट्रिप प्लानर का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद जाकर मतलब इस कंपनी से दूसरे कंपनी के ऊपर टिकट का डिटेल्स चेकआउट किया हूँ, और मैंने खुद देखा कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं, और डिस्काउंट बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। उसके चलते कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से कंपनी का फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। ROE बेस्ट है, और मुझे इस कंपनी के ऊपर जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी की इनकम भी है, कर्जा कम है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी ज़्यादा है। और एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको कमेंट करेंगे, सर कंपनी पहले तो उतना प्रॉफिट सेल्स नहीं करता था, आज सेल्स तो बहुत ज़्यादा किया, तो प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा, कोई बात नहीं, मगर ईयर बेसिस में क्या हुआ? पहले सेल्स बहुत ज़्यादा होते थे, करीबन 1000 करोड़ के आसपास, और आज कितना? सिर्फ 400 450 करोड़ का सेल्स हुआ। तो क्या कंपनी खराब नहीं लग रहा आपको? देखिए बिल्कुल नहीं, सेल्स कम हुआ इसका मतलब कंपनी खराब नहीं हो गया। कंपनी सेल्स कम करने के बाद प्रॉफिट कितना किया वो देखना जरूरी है। देखिए मान के चलिए आप एक प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में बेचा और उनमें से आपका खर्चा ही बना था 120 रुपीज़ का, तो क्या आपको घंटा प्रॉफिट होगा? तो आप सोच रहे हैं आपका दोस्त एक प्रोडक्ट 50 में बेच रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट था मान के चलिए 40 रुपीज़, तो आप ये देख रहे हैं कि आपको 100 रुपीज़ मिला है, और आप ये देख रहे हैं कि आपके दोस्त को 50 रुपीज़ मिला है, मगर ये तो देखिए कि आपका खर्चा कितना आया, आपका एक्सपेंस कितना हुआ था उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, 120। तो अल्टीमेटली आपको आपका प्रॉफिट नहीं, आपका 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। और उसी तरीके से अगर देखेंगे तो आपका दोस्त 50 में बेचा मगर उसका कॉस्टिंग कितना है? 40 रुपीज़। इसका मतलब आपका दोस्त ने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। तो यही देखना है यहाँ पे। कंपनी देखिए सेल्स तो बहुत ज़्यादा दिखा था मगर एक्सपेंस भी ज़्यादा था, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या था? एकदम ना के बराबर। तो सेल्स देखकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको हर पैरामीटर्स देखना है। देखिए हर चीज़ आपको मैं इसीलिए बारीकी से दिखाता हूँ क्योंकि आपको मैं ऐसे लेवल में पहुँचाना चाहता हूँ जिस लेवल में किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर बन पाएंगे। देखिए हर कोई ट्रेडर और इन्वेस्टर ना बने तो हमारा देश का ग्रोथ कहाँ से होगा? हर किसी का मतलब यहाँ पे जिम्मेदारी है हमारा देश को आगे ले जाने के लिए,
मैं तो गर्व से मेरे देश को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मेरा मकसद यही है कि मैं खुद आगे बढ़ रहा हूँ तो आपको भी आगे मैं लेके जाऊँ। तो मैं अगर मेरा वीडियो आपको कोई भी खराब लगे, अगर हाँ आपको लगे कि हाँ सर ने इस वीडियो के माध्यम से मुझे लॉस करवा दिया, मतलब लॉस मतलब खराब ट्रेड दिखा दिया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो से एग्जिट हो जाइए। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि कंटिन्यू करने के लिए, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ सीख कर काम करिए। मैं जितने सारे ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ वो मेरे खुद का ट्रेड है, मैं खुद ट्रेड लेता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एज ए एडुकेशन पर्पज़ में। मैं आपको कोई टिप्स देने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप टिप्स लीजिए और काम करिए, टिप्स देना मेरा काम नहीं है। मैं आज तक कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया हूँ, पेड प्रमोशन करता तो अलग बात होता, मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया हूँ। अब अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो ठीक है, अगर आप सिर्फ स्टॉक के नाम जानने के लिए आए हैं तो डिसीजन आपका है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है, देखिए सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो तगड़ा है, कंपनी आज तक रिटर्न नहीं दिया, इसी का फायदा तो आपको मिलेगा क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो भी देखिए धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को एक रेंज में बना कर रखा है। आप कह सकते हैं डीएस ने माल बेच दिया, एफएस ने माल बेच दिया, कोई बात नहीं, वो जब फिर से कंपनी खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा वो फिर से माल खरीदारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो रही बात कंपनी के ऊपर, म्यूचुअल फंड कंपनी ने देखिए लास्ट कुछ मंथ्स में लगातार सेल ऑफ किया, और इस सेल ऑफ का नज़र ही आपको देखने को मिलेगा कि मई जून में किस तरीके से सेल ऑफ हुआ। और मैंने आपको एक ट्रेड मतलब एक रेंज बना के दिया, ये रेंज क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को कंपनी बार बार रिटेस्ट किया और पिछले दिनों में कंपनी ब्रेकआउट करने का भी कोशिश किया, मगर वो ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग मुझे नहीं लगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम था, और ब्रेकआउट करने का कोशिश भी किया और इसके बाद फेल हो गया। तो बहुत सारे लोग इसी जगह पे ट्रैप हो जाते हैं, उसको लग रहा है कि ब्रेकआउट हो गया तो एंट्री ले लूँ, तो बिल्कुल मत एंट्री लीजिएगा। हमेशा मैं एंट्री तब लेता हूँ जब इतना लॉन्ग जर्नी करने के बाद कोई डायरेक्टली ब्रेकआउट करते हैं तो कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट करेगा, उसको रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर ब्रेक एक कैंडल ग्रीन कैंडल दो कैंडल बने तो मैं एंट्री जोड़ लूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जो करेक्शन लेवल देखने को मिला है तो मेरे हिसाब से और भी करेक्शन होने का चांसेस है, तो मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। देखिए अतुल ऑटो आप सभी जानते हैं कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं, और वो भी किसका, ऑटो रिक्शा और ईवीज जो गाड़ियाँ हैं, इसका अलग अलग 8 ब्रांड है जहाँ पे 3 व्हीलर्स ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और इस गाड़ियों में देखा जाए तो कंपनी सीएनजी से लेकर एलपीजी से लेकर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मतलब इलेक्ट्रिक जो ऑटो सेक्टर है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी का अभी फिलहाल के लिए हालत उतना खास नहीं है, तो मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस दे पाएंगे क्योंकि इंडिया में अभी 3% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम हुआ है, जहाँ पे चाइना में 39% के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा फर्क है, इस फर्क को मिटाने के लिए कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है, इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो सोचिए 3% से जब 30% इस कंपनी ऑल ओवर इंडिया का ग्रोथ हो जाएगा तो इस तरीके से कंपनी कितना बड़ा धमाका सेल करेंगे। तो मैं रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑटो रिक्शा भी देख चुका हूँ, बहुत ऑटो रिक्शा में बैठ कर भी देख चुका हूँ, कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, और मतलब बैठने से कुछ मतलब कुछ अनुभूति नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिला है, बहुत सारे ईवीज गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, अभी ये देखना है इस कंपनी फ्यूचर में कितना काम खास काम कर सकते हैं। इसीलिए शायद मुझे लगता है एज ए बड़ा इन्वेस्टर विजय केडिया जी ने इस कंपनी के ऊपर 13.5% तक होल्डिंग्स को इंक्रीज कर दिया, तो इसलिए इंक्रीज किया मुझे लगता है क्योंकि अपकमिंग कुछ ईयर्स में ईवीज का मार्केट बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है, तो अभी से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बाकी आप समझदार है, कहने का जरूरत नहीं है, कंपनी किस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किया आप देख सकते हैं। कंपनी एक रेंज भी क्रिएट हुआ था, उस रेंज में कंपनी देखिए बार बार वो रिटेस्ट किया उसके बाद धमाका किया, तो मैं इसके ऊपर पहले से ही निवेश करके रखा हूँ। हाँ छोटा मोटा क्वांटिटी है, मैं ज़्यादा क्वांटिटी उठा नहीं पाया क्योंकि छोटा कंपनी है तो इसलिए छोटा क्वांटिटी। अभी देखा तो इस कंपनी के ऊपर एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं दे पाया क्योंकि मैंने खुद कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली जिस तरीके से तेज़ी से भागा मैं खुद ही शॉक हो गया कि इतना तेज़ी से क्यों भागा। और तब जब मैं रिसर्च करके आपको बताया था कि यहाँ पे विजय केडिया जी ने यहाँ पे एंट्री लिया, और सोचिए उन्होंने एंट्री लेने के बाद उस रेंज से यहाँ पे कौन सा कैंडल में एंट्री लिया, इस कैंडल ने उन्होंने एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद उस कैंडल के टॉप से मैं अगर आज तक की करंट परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो ऑलमोस्ट 70% का गेन मिला, तो सोचिए, और वो भी कितना, 1 मंथ के अंदर अंदर। तो यही होते हैं पावर, यही होते हैं अच्छे कंपनी को चूज करने का पावर। तो अभी फिलहाल के लिए ऊपर लेवल में 663 में एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं कहूँगा, इस कंपनी का रेजिस्टेंस कम एक बिग सप्लाई जोन भी कहूँगा,
क्योंकि इसी रेंज के बाद कंपनी के ऊपर बिग क्रैश होना हुआ था। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा, अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाकर ब्रेकआउट करते हैं उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे अगर कैंडल बनाता है तो आप तो जानते ही है एक कप वाइज कैंडल पैटर्न में किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ तो कितना बड़ा टारगेट बनेगा। तो सोचिए मैं एक बार आपको मार्किंग भी करके देता हूँ, अगर इस तरीके से टारगेट बनेगा और वो टारगेट अगर बने और इस तरीके से टारगेट अगर एंट्री लेवल मिले तो सोचिए ऑलमोस्ट 80% का टारगेट मिल सकता है। तो मैं अभी कोई एंट्री लेवल्स नहीं बता रहा हूँ, अभी कोई आपको टारगेट नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ यही दिखा रहा हूँ कि अभी तक मैंने इस कंपनी के ऊपर कोई एंट्री नहीं लिया। हाँ, मेरा लॉस साइड में एंट्री भी है। एक्चुअली मेरा एंट्री लेवल्स देखा जाए तो कोविड के पहले मैंने एंट्री लेवल लिया था इस जगह पे, तो अभी देखा है तो मैंने प्रॉफिट में फिर से आया, तो नीचे आया था मैंने एवरेज भी किया इस जगह पे और अभी हायर लेवल्स में है। तो मैं अभी कोई नया एंट्री नहीं लिया और कोई नया ट्रेड नहीं बना पाया, तो जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग्स लिमिटेड। तो सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग लिमिटेड देखा जाए तो एक ट्रेडिंग कंपनी है और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है? बोनस का। हर एक शेयर में एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलेगा और वो भी कब मिलेगा? 8 सितंबर के अंदर अंदर। तो 8 तारीख को आपको एक डेट दिया गया है, उस डेट में आपको मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि अकेला वीडियो देखकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हर कोई देखेंगे तो हर कोई काम करना चाहेंगे, जब हर कोई काम करेंगे तो खुद का भी ग्रोथ होगा और इंडिया का भी ग्रोथ होगा। बाकी मेरा वीडियो एजुकेशन पर्पज़ में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से ही काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।